हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम पढ़ने वाले हैं कृत प्रत्यय, जो कि हमारा प्रत्यय का भाग दो है। कृत प्रत्यय जो है प्रत्यय का पहला भाग है, और कृत प्रत्यय उस प्रत्यय को कहते हैं जो प्रत्यय क्रिया धातु के मूल में जुड़कर संज्ञा या विशेषण आदि शब्द को बनाते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कृत प्रत्यय। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय, और हम लिख रहे हैं यहाँ पर कृत प्रत्यय, जो के प्रत्यय का पहला भेद है। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया धातु के मूल में जुड़कर संज्ञा वे प्रत्यय जो क्रिया धातु के मूल में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कुछ उदाहरणों को, जो हम ताकि हम कृत प्रत्यय को पहचान सके, आसानी से उन्हें समझ सके। अब हम यहां लिख लेते हैं प्रत्यय, और हम यहां लिखेंगे उदाहरण। जिसे कब हम पहला प्रत्यय लेते हैं आई जो है प्रत्यय है। अब इसको लिखते हैं, जिसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल के लिखते हैं यहां पर लड़ जमा आई। अब लड़ धातु जो है इसमें मैं मिला दिया आई, तो ये हो जाता है लड़ाई। लड़ाई लड़ जमाई लड़ाई। वैसे हम लिखते हैं यहां पे लिख लिख, हमने जो है लिख शब्द लिया, लिख में हमने ये आई जोड़ दिया, लिख जमा आई। पहले हमने आई में लड़ जोड़ा था, और हम उसमें लिख में आई में लिख जोड़ रहे, तो ये हो जाएगा लिखाई। अब हम दूसरा प्रत्यय लेते हैं आक, ये हमने पहला लिया था। अब हम लेते हैं आंख। अब हम यहां पर शब्द लेते हैं तैर जमा आंख। तैर जमा आंख तैराक, तैर राख। हमने आंख जो है तैर में जोड़ दिया, तो बन गया तैराक। वैसे अब एक और शब्द लेते हैं हम यहां पे चाल जमा आक। तैर जमाक तैराक, चाल जमाक चालाक, चालाक। अब हम यहां पर एक और तीसरा प्रत्यय लेते हैं, जिसे अब हम लिख लेते हैं आन को हम जोड़ते हैं अभी उड़ जमा आन, ये हो जाएगा उड़ान। उड़ जमा आन बराबर में उड़ान। अब हम यहां पर शब्द देते हैं अगला थक जमा आन।
थक जमान, ये हो जाएगा थकान, थकान। अब हम चौथा प्रत्यय लेते हैं, जैसे कि अब हम यहां पे लिखते हैं आप। अब हम यहां पे शब्द देते हैं, आप में हम शब्द देते हैं चुन, चुन जमा आप, चुन जमा आप हो जाता है चुनाव, चुन जमा आप हो गया चुनाव। अब यहां लिखते हैं हम शब्द फैल, फैल जमा आव, फैल जमा आव, फैल जमा आव हो गया फैलाव, फैलाव। अब हम यहां पे जो है पांचवा प्रत्यय लेते हैं, अब हम प्रत्यय लेते हैं आवट, आवट हमने प्रत्यय ले लिया। अब हम सब शब्द लिखते हैं सज, सज जमा आवट, सज जमावट हो जाता है सजावट, 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 सज जमावट सजावट। अब हम ऐसे ही शब्द लिखते हैं मिल, मिल जमा आवट, मिल जमावट मिलावट, मिलावट। अब मैं यहां पर छठा प्रत्यय लेती हूं, जिसे कि मैं लेती हूं ई, य, ल, यल। हमने ईयल जो प्रत्यय ले लिया, अब हम ईयल में सड़ मिला देते हैं, सड़, सड़ जमा ईयल, ई, य, ल, सड़ जमा ईयल, सड़ियल, सड़ियल, यानी के इसको हम सड़े कहते हैं सड़ियल। वैसे हम यहाँ पे शब्द लेते हैं मर, मर जमा ईयल, मर जमा ये मरियल, मरियल। अब हम यहाँ पे एक और शब्द लेते हैं, जिसे हम लिया ई, ई प्रत्यय ले लिया, ई, ई प्रत्यय है। इसमें हम यहाँ पर शब्द लगाते हैं हस, हस, हस जमा ई, तो ये हो जाता है हसी, हस जमा ई हसी। अब हम यहाँ पे शब्द लेते हैं बोल, बोल जमा ई, बोल जमाई हो जाएगा ये बोली, बोली, बोल जमाई बोली। अब मैं यहां पर जो है एक और प्रत्यय लिख लेती हूं, जिसे हमने यहां पे लिखा नी, नी, नी प्रत्यय लिया। अब इसे लगाते हैं यहां पर ओढ़, ओढ़ जमा नी, ओढ़ जमानी, ओढ़नी, ओढ़नी। अब मैं शब्द लेते हैं यहाँ पे मथ, हमने जो धातु ली है वो लिया हमने मथ, मथ जमा नी, मथ जमानी मथनी, मथनी। तो इनको अभी हम पढ़ के देखते हैं, हमने प्रत्यय लिया आई, लड़ जमाई लड़ाई, वैसे लिख जमाई लिखाई। अब हम यहाँ पे थे आग, आग जो है प्रत्यय है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं, आई, आई लड़ाई, वैसे ही लिखाई, उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। आग तैर जमाक तैराक, चाल जमाक चालाक, आन उड़ जमा आन उड़ान, थक जमान थकान, आव चुन जमाव चुनाव, फैल जमा आव फैलाव, आवट सज जमावट सजावट, वैसे मिल जमा आवट मिलावट, ईयल सड़ जमाइल सड़ियल, मर जमाइल मरियल, ई, ई प्रत्यय लिया, हंस हंस जमा ई हसी, और बोल जमाई बोली, नी ओढ़ जमानी ओढ़नी, और मथ जमानी मथनी।
ये जो है यह संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। मैं लिख देती हूँ कृत प्रत्यय, संज्ञा बनाने वाले, संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय इसके बाद हम अभी हमने देखा है ये संज्ञा बनाने वाले, इसके बाद हम देखते हैं विशेषण बनाने वाले जो प्रत्यय उनको अब हम देखते हैं ताकि विशेषण जो किस प्रकार से बनता है। अब हम पढ़ते हैं विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्ययों के बारे में। तो आइए लिखते हैं विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। अब हम यहाँ लिखते हैं विशेषण जो कि इसका दूसरा भाग है। हमने पहले पढ़ा था संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, अब हम पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। अब हम पहला प्रत्यय लेते हैं जिसे यहां पर हमने ले लिया अकड़। अकड़ इसमें हम शब्द जोड़ते बनाते हैं, इसमें भूलना में जब अकड़ कर देते हैं तो अकड़ लगाते हैं तो ये हो जाएगा भूलक्कड़। भूलक्कड़ वैसे हम यहाँ पे घूमना घुमक्कड़। भूलना भूलक्कड़, घूमना घुमक्कड़। अब हम फिर से लेते हैं आओ। आओ आओ से बिकना, बिकना से हो जाता है बिकाऊ। बिकना बिकाऊ वैसे ही खाना खाऊ। जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में लग रहा है, भुलक्कड़ अक्कड़ आऊ पिकाऊ घुमक्कड़ खाऊ। अब हम लेते हैं यहां पर जिसे हमने लेते हैं उसके बाद हम आकू। आकू जो प्रत्यय ले लिया तो अब हम लेते हैं पढ़ना। पढ़ना में हम जो आकू प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा पढ़ाकू। पढ़ाकू और वैसे जो हम लड़ना में लगाते हैं लड़ना तो ये हो जाएगा लड़ाकू। लड़ाकू अब हम इसका एक और पत्ते लेते हैं एया। ए या एया अब हम देते हैं उसको लगाते हैं गाना। गाना जो एया पत्ते लगेगा तो ये हो जाएगा गवैया। गाना गवैया वैसे हम लेते नाचना। गाना गवैया नाचना नचैया। नचैया अब मैं एक और लेती हूं जिसे मैं अब लिख लिया दार। दार प्रत्यय लिया हम यहां लिखते हैं देना। देना देना से बन जाएगा देनदार। देन दार अब मैं तो लेना ये हो जाएगा लेनदार। लेनदार तो ये थे कुछ विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। अक्कड़ भूलना भुलक्कड़ घूमना घुमक्कड़। आओ बिकना बिकाऊ खाना खाऊ। आकू पढ़ना पढ़ाकू लड़ना लड़ाकू। एया गाना गवैया नाचना नचैया। दार देना देनदार लेना लेनदार। तो उम्मीद है ये संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय और विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम
प्रत्यय के दूसरे भेद यानी कि तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए ज्ञान अभियान, आपका अपना चैनल।